जयंत, आपका स्वागत है नेशनल फिजिकल एकेडमी स्पोर्ट्स विथ एजुकेशन। और आज हमारे साथ है हमारे छोटे भाई शत्रुघ्न सिंह। ये 2021 बैच से ही सिलेक्शन लिया था इन्होंने, और इससे पहले ये रेलवे में थे। रेलवे में रहते हुए भी इन्होंने पढ़ाई जारी रखी, और TGT का 2021 में जो पेपर हुआ था उसमें इन्होंने मैथ सब्जेक्ट से, काफ़ी टफेस्ट सब्जेक्ट है, मैथ से सिलेक्शन लिया है। और तो हम इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि आप लोगों को इससे हेल्प मिले, और आप इनका एक्सपीरियंस जो बताएंगे उसको ध्यान से सुनिएगा। इनकी बुकेज जो पढ़ी इन्होंने उसके बारे में ध्यान दीजिएगा, और इनका टाइम टेबल क्या था वो थोड़ा सा। तो अगली आवाज़ मेरे छोटे भाई शत्रुघ्न की। ठीक है जहिन सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपको आपके लिए, और जो आप हमसे मतलब एक्सपीरियंस जानना चाह रहे हैं जिसके माध्यम से हमारे आने छोटे मतलब जो भी भाई हैं जो अगले कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में अपना मतलब योगदान देंगे, जो मतलब तैयारी कर रहे हैं TGT सन 2000, हम तो 21 में सेलेक्ट हो चुके हैं, लेकिन आने वाली जो वैकेंसी है जिसके लिए हमारे छोटे भाई तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए हम सजेशन देना चाह रहे हैं। तो एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि हम कहीं से कोचिंग नहीं किए थे, सेल्फ स्टडी किए थे। अच्छा। और आप लोग अगर चाहेंगे तो सेल्फ स्टडी के माध्यम से आप लोग भी मतलब अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, और TGT में सिलेक्शन आप ले सकते हैं। मैथ के लिए कोचिंग जरूरी है कि नहीं, घर से तैयारी हो सकती है? देखिए, जैसे डिपेंड करता है कि आपकी आर्थिक स्थिति किस तरीके की है। अगर आर्थिक स्थिति सही है तो आप कोचिंग कर सकते हैं, अन्यथा आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी आप तैयारी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कुछ बच्चे बच्चियाँ हैं कि वो घर से पढ़ती हैं। जी, घर से पढ़ के सिलेक्शन हो सकता है? जी बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मैं मतलब काफ़ी छोटे स्तर से हूँ, और मैंने खुद मतलब ज़मीनी स्तर से काफ़ी मेहनत किया है, और ऐसा भी नहीं है कि मेरा बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा रहा हो और मैंने इलाहाबाद से या फिर और कहीं से कोचिंग किया हो, तो ऐसा नहीं है। तो मैंने खुद सेल्फ स्टडी किया है, और हम किस तरीके से किए हैं इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे, जिसके माध्यम से आप लोग भी उसी तरीके से तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हैं TGT में। तो सबसे पहले आप लोग एक चीज़ ध्यान देंगे कि जो मैथ सब्जेक्ट है इसमें प्रैक्टिस सबसे अनिवार्य रहता है। यदि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो TGT में आप लोगों को पता है कि 125 क्वेश्चन होते हैं और समय 2 घंटे का होता है, 120 मिनट, 125 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पे आपका 1 मिनट भी टाइम नहीं मिल पाता है। तो अन्य अगर सब्जेक्ट है तो आप 1 मिनट में 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन मैथ में ऐसा नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैथ की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट पे मतलब ध्यान देंगे, और उससे पहले हम कुछ बुक बता दे रहे हैं जिसके माध्यम से हमने तैयारी किया हुआ था। तो सबसे पहले इंटर सन 2012 में मतलब जो भी बच्चे पढ़े थे उस समय, यदि उस समय मतलब 6 बुक होता था गणित का, यदि वह किताबें अगर मिल जा रही हैं तो सबसे बेस्ट है, नहीं तो फिर आप एक काम कर सकते हैं, जो भी सिलेबस है सिलेबस आप अच्छे तरीके से अपना देख लीजिए और सिलेबस के अनुसार आप तैयारी कीजिए, क्योंकि सिलेबस के अनुसार अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो सिलेबस इतना बड़ा है कि आप उसको कवर ही नहीं कर पाएंगे। अच्छा। पता चलेगा कि आप तैयारी किसी और का कर रहे हैं और कहीं और पहुँच जाएंगे। तो सबसे मस्ट है कि उसमें सिलेबस आप देखिए, और सिलेबस देख करके सिलेबस के अनुसार ही आप पढ़ाई कीजिए। जो हम बता रहे हैं कि सन 2012 से पहले जो 6 किताबें मैथ की होती थी, यदि वह मिल जा रहा है किसी भी तरीके से तो सबसे बेस्ट है, और उसमें जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में है वह सिलेबस आप देख लीजिए, और उन बुक में वह सिलेबस आपको मिलेगा और उससे आप अच्छे से पढ़िए। और उसके अलावा हम आपको बता दे रहे हैं कि जो बुक हम पढ़े थे यूथ कंपटीशन टाइम्स, जो प्रीवियस ईयर पर पूरा बेस्ड रहता है, और उसके अलावा घटना चक्र का भी एक बुक आता है जो उसमें भी प्रीवियस ईयर का ही पेपर रहता है। तो TGT में सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका 125 क्वेश्चन आता है उसमें 60% मान लीजिए आपका वो प्रीवियस ईयर पे बेस्ड रहता है। हमने तो सन 2021 में जो एग्ज़ाम दिया है उसमें प्रीवियस ईयर का तैयारी हमने बहुत अच्छे से किया था, और उसका बेनिफिट भी हमें मिला, क्योंकि सन 2021 में जो पेपर आया हुआ था उसमें सन 2019 से सेम टू सेम कम से कम 15 से 16 क्वेश्चन आपको ऐसे मिले थे जो सन 2019 में बिल्कुल पूछे गए थे, और सेम टू सेम वही क्वेश्चन आपको सन 2021 में भी मिले थे। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा सेम ही क्वेश्चन मिलेगा, बस उसमें मतलब कुछ वर्ड चेंज हो जाते हैं लेकिन क्वेश्चन आपका वैसे ही रहता है। तो मेरा मानना यह है कि यदि आप प्रीवियस ईयर की तैयारी कर रहे हैं, मतलब मेरे लिए जो बुक था यूथ कंपटीशन टाइम्स और घटना चक्र,
उसको यदि आप पढ़ ले रहे हैं तो उसमें बुक देख करके आपको घबराना नहीं है, क्योंकि यूथ कंपटीशन टाइम्स में काफ़ी मोटा बुक रहेगा और उसमें आपको TGT PGT PCS प्री का, उसके अलावा राजस्थान TGT और उसके अलावा झारखंड TGT, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन उसमें रहेंगे, TGT PGT सब का रहेगा। तो उसमें से आपको केवल यह देखना है कि TGT वाले कौन कौन से क्वेश्चन हैं और PGT वाले जो क्वेश्चन आपको आसान लग रहे हैं तो उन सभी को आपको रिवीजन करना है। PCS प्री का है तो उसे भी मतलब छोड़ना नहीं है, तो आपका सिलेक्शन 100% होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, कितने घंटे पढ़ने से काम चल जाएगा? तो देखिए मतलब वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना घंटा टाइम दे पा रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपना जो एम है उसको आप फिक्स कीजिए कि हमें TGT में क्वालिफाई करना ही है। ये मत सोचिए कि हम मतलब तैयारी कर रहे हैं, मेरा हो जाएगा, ऐसा नहीं, आपको लेना है तो लेना है। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा ये है जी, रेलवे अच्छी थी कि ये अच्छा है? नहीं, देखिए टीचर सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है, और हमें लगता है कि चाहे कोई भी मतलब विभाग हो, चाहे राजस्व विभाग में कोई भी हो या फिर रेलवे तो बहुत बुरा था मेरे लिए, कैसे कि हम ड्यूटी करते करते थक गए थे वहाँ पे, और यहाँ पे टीचर का तो मतलब बात ही अलग है। नहीं, ये टीचर की भी एक जिम्मेदारी भी है, और ये पढ़ाना तो आपका शौक था कि कैसे? नहीं देखिए, मेरा शुरू से ही मतलब पैशन था, और शुरू से ही एम था कि इसी कॉलेज में, जो कॉलेज हमें अलाट हुआ है राष्ट्रीय इंटरमीडिएट कॉलेज बाली, क्योंकि हम इसी कॉलेज से पढ़े भी थे और हम पहले भी सोच रखे थे कि हमें एक दिन आयोग से चयनित होकर के इसी कॉलेज में आना है। अच्छा अच्छा, तो मेरा तो सपना, घर से कितनी दूर है? मेरा सपना भी था, मेरे घर से ये मात्र 1.5 किलोमीटर दूर है। तो घर में नौकरी है? घर पे नौकरी है। हमने मतलब पहले भी मेरे कुछ फ्रेंड थे जिनसे हम बोल दिए थे कि हम देखो आयोग से चयनित होकर के इस कॉलेज में आएंगे, क्योंकि हमें नहीं मालूम था कि मतलब आएंगे, लेकिन मुझे विश्वास था कि यदि हम तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो कोई भी चीज़ मतलब जैसे कोई भी चीज़ मुमकिन है। एक चीज़ और बच्चों की तरफ से मैं पूछ रहा हूँ, आपका नंबर बच्चे अगर मांगेंगे तो मैं उनको दे दूंगा, ठीक है? अगर उनसे कोई क्वेरी होगी तो आपको जवाब कोई बात नहीं है। यदि आप लोग अगर पर्सनली कोई सलाह लेना चाह रहे हैं तो बेहचक सर अभी जो बैठे हैं ये आपको नंबर मेरा प्रोवाइड करा देंगे, और उसके माध्यम से आप लोग पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे कोई ट्रिक पास करने का, कोई शॉर्टकट तरीका कुछ टाइप का कुछ है? देखिए जैसे मैथ में क्या होता है कि सभी क्वेश्चन ट्रिक पे बेस्ड नहीं होते हैं, उसमें एग्जामिनर भी जानता है कि बहुत सारे मतलब ट्रिक के माध्यम से पढ़ाए जाते हैं, वो ऐसा क्वेश्चन दे देता है कभी कभी कि जो ट्रिक पे होता ही नहीं है, वो उसमें आपको टाइम लगना ही लगना है। तो मेरा मानना है कि जब आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिएगा तो उसमें जब आप प्रैक्टिस सेट काफ़ी ज़्यादा सॉल्व करेंगे आपको खुद अनुभव हो जाएगा कि हमें कौन सा क्वेश्चन मतलब कैसे सॉल्व करना है। प्रैक्टिस सेट पे आपको विशेष रूप से फोकस करना है। और एक चीज़ और, जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ये नहीं आएगा बिल्कुल उसे छोड़ देना है, उस पर आपको मतलब टाइम नहीं देना है। क्वेश्चन देखते ही आपको ये भी मालूम हो जाएगा कि हाँ मतलब ये कितने टाइम में हो जाएगा, यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो। अभी ये कब तक लगेगा? यदि आप तैयारी कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस किए हुए हैं तो क्वेश्चन को आप देखते ही जान जाएंगे कि ये क्वेश्चन मतलब कितना टाइम लेगा, और अगर लग रहा है कि ये क्वेश्चन हमें आ रहा है और टाइम लेगा तो उसे भी छोड़ दीजिए आप, ये ज़रूरी नहीं है कि उसे कीजिए, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है और काफ़ी टाइम लेगा, तो उसे करने के चक्कर में आपका आसान क्वेश्चन छूट जाता है। पहले आप ये कोशिश कीजिए कि 125 क्वेश्चन जो है उसे मतलब पूरा क्वेश्चन देखने का प्रयास कीजिए, उसमें से जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो मतलब कम टाइम में हो जाएंगे, आप कोशिश कीजिए कि पूरा जो पेपर है आपका मतलब एक से लेकर के 125 क्वेश्चन तक जो भी जा रहे हैं तो वहाँ तक आप चले जाइए, और जो क्वेश्चन आसान है छोटा उसे आप देख लीजिए। ये कि बड़े जो डिफिकल्ट क्वेश्चन उस पर टाइम वेस्ट मत, उस पर टाइम वेस्ट बिल्कुल ना कीजिए, क्योंकि चार नंबर का वो भी है, चार नंबर का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही बता रहे हैं कि यदि क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस सेट करेंगे तो क्वेश्चन देखते ही आपको अनुमान लग जाएगा कि ये क्वेश्चन कितना टाइम लेगा, तो आप उस क्वेश्चन को तुरंत मतलब उस पर टिक कर लीजिए और उसको छोड़ दीजिए, और फिर पहले पूरा क्वेश्चन देखने के बाद से टाइम आपका बच जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब 125 क्वेश्चन है 120 मिनट में तो टाइम नहीं बच पाएगा, तो टाइम आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि हम खुद सॉल्व किए थे, 5 मिनट मेरा बच गया था मैथ में। कितने क्वेश्चन सही थे आपके? मेरे मतलब 82 क्वेश्चन सही थे। बहुत बढ़िया,
और शुरू में हम आपको बता दें कि जब हम प्रैक्टिस सेट कर रहे थे तो मेरा मतलब 2 घंटे में। और एक चीज़ और आपको बता दें कि जब आप प्रैक्टिस सेट चालू कीजिए तो बिल्कुल घड़ी देख करके और टाइमर आप लगा लीजिए स्टॉप वॉच, 2 घंटे के पहले मत उठिए। हाँ, 2 घंटे के बाद ही आप मतलब देखिए कि हमने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। 2 घंटे से पहले बिल्कुल ना उठिए, नहीं तो फिर वो प्रैक्टिस सेट आपका प्रैक्टिस सेट की तरीके नहीं रह जाएगा, उसमें दिक्कत आ जाएगी। तो आप बिल्कुल प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो टाइम अपना दीजिए 2 घंटे का पूरा, और उसमें आप देखिए कि आप कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं, कहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। जब मैं मतलब प्रैक्टिस सेट चालू कर रहा था उस समय मेरा शुरू में 70 क्वेश्चन तक पहुँच पाता था, 2 घंटे मेरे ख़त्म हो जाते थे। मैं बहुत परेशान था कि मैं मतलब कैसे क्या करूँ कि 125 क्वेश्चन तक मैं पहुँच जाऊँ। उसके बाद से मेरे माइंड में आया कि थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, तो मैंने वही तरीका अपनाया कि जो क्वेश्चन बड़ा था, जो टाइम लगने वाला था, मैंने उसको स्किप करते गए और आगे बढ़ते गए। तो इस तरीके से मतलब 90 तक पहुँचे, उसके बाद से फिर 125 क्वेश्चन तक हम पहुँच जा रहे थे और टाइम भी बच जा रहा था। तो ये थे हमारे छोटे भाई शत्रुघ्न सिंह। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी जितनी जानकारी चाहिए थी आप लोग मिल गई होगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ आपको मिस हो रही है तो आप कमेंट्स करिएगा, मैं आपको फ़ोन नंबर दे दूँगा, इनसे पर्सनली बात कर लीजिएगा और इनसे सलाह लीजिएगा। उसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।